हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ब्लड फील्ड ब्लिस्टर से रिलेटेड है कि माउथ के अंदर जो है खून भरे फफोले क्यों बनते हैं, और इसको देखकर आपको बहुत डर लगता है कि ये कोई कैंसर तो नहीं है या कोई खतरनाक बीमारी के साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जो खून भरे फफोले बनते हैं ये बेसिकली है क्या और इसको कहते क्या हैं। तो बेसिकली इसे हम लोग कहते हैं एंजाइना बुलोसा हेमोरेजिका। और ये जो ब्लिस्टर है ये इसलिए बनते हैं क्योंकि जो आपकी त्वचा है वो काफ़ी थिन हो गई है, और थिन होने के कारण जरा सा भी अगर ट्रॉमा होता है तो जो नीचे ब्लड कैपिलरीज हैं कनेक्टिव टिश्यू में, वहाँ से ब्लड वेसल्स के थ्रू आके कलेक्ट हो जाते हैं सुपरफिशियल लेयर में। तो इस तरह से जो ब्लड फील्ड ब्लिस्टर बनते हैं वो आपका खून भरे फफोले, जो देखने में थोड़े से डरावने होते हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है जितना आप इसे समझते हैं। ये जो फफोले हैं ये इनका एक ड्यूरेशन होता है 6 to 8 आवर्स में ये रप्चर हो जाते हैं, और रप्चर होने के बाद ये हील भी होते हैं। जितना बड़ा फफोला रहेगा उस हिसाब से हीलिंग टाइम होता है, 6 to 8 डेज या 15 डेज मैक्सिमम हीलिंग टाइम है इसका। और यहाँ पे जो ये ब्लिस्टर हैं इसके बनने के इटियोलॉजिक फैक्टर पे मैं बात करूँ तो इसके जो फैक्टर हैं उसमें से जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है वो है आपका जो आपके जो थिनिंग ऑफ म्यूकोसा है, जो कि रिलेट होता है आपका बिटल नट चीविंग, गुटका चीविंग, या फिर स्मोकिंग रिलेटेड पर्सन से, या फिर कुछ ऐसे पर्सन जो कि काफ़ी लंबे समय से कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं जैसे कि स्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हैं और वो इनहेलर का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे पर्सन को तालू में ये बराबर बनते रहते हैं, क्योंकि जब आप स्टेरॉइड इनहेलर लेते हैं अस्थमा के केस में तो वहाँ पे जो तालू की म्यूकोसा है वो लगातार जो है आपका इसके टच में आती है, स्टेरॉइड के टच में आती है, जिसके कारण से वहाँ पे थिनिंग स्टार्ट हो जाता है म्यूकोसा का। तो ये जो पतलापन है जिसके कारण से जरा सा भी आप हार्ड फूड लेंगे, ट्रोमैटिक फैक्टर यानी नुकीले चीज़ जो कि आपको चुभ गए, चुभन हो गई वहाँ पे उस चीज़ से, तो आपको यहाँ पे ब्लड फील्ड ब्लिस्टर बन सकते हैं। तो जैसे कि बहुत बड़े साइज का ब्लड फील्ड ब्लिस्टर है तो आपको यहाँ पे एंटीबायोटिक कवरेज की ज़रूरत है, साथ में जो है आपको जो लोकल सपोर्ट है आपको अपने नज़दीक के निकट केयर स्पेशलिस्ट से मदद लेनी चाहिए, और जो भी सुटेबल ऑइंटमेंट है या फिर मेडिसिन है या एंटीबायोटिक थेरेपी है वो आपको लेना चाहिए अगर बहुत बड़े साइज का फफोला है तो। और कई बार आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जो आपका तालू के रीजन में अगर बड़ा फफोला है तो वो कई बार आपको जो है सांस लेने में दिक्कत कॉज कर सकता है, तो आप इसे अपना जल्द से इसके लिए आप नज़दीक के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे मदद लें। और इससे घबराना नहीं है कि ये बार बार फ्रिक्वेंटली बन रहा है, तो आप ये सोचिए कि इसका जो आपका थिनिंग हुआ है म्यूकोसा का उसकी म्यूकोसल स्ट्रेंथ कैसे वापस लाई जा सकती है। तो जैसे कि जो स्टेरॉयड इनहेलर यूज कर रहे हैं तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट या तो टैबलेट फॉर्म में, या फिर आप अपने फिजिशियन से एडवाइस ले कि वो क्या वहाँ पे रिप्लेस करके आपको दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसे फैक्टर जैसे कि आपका हैबिचुअल पर्सन है तो वो अपने हैबिट को क्विट करेंगे, या फिर कोई ट्रॉमेटिक फैक्टर इन्वॉल्व है, शार्प टीथ हैं या गाल की सतह कट जा रही है वहाँ पे बन रहे हैं ब्लड फील्ड ब्लिस्टर, तो आप थोड़ा सा अपने ट्रॉमेटिक फैक्टर यानी शार्प टीथ को जो है स्मूथ करवा लें। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग फैक्टर इन्वॉल्व हैं, और आपको इसके लिए जो है घबराना बिल्कुल नहीं है कि ये कोई जानलेवा बीमारी है, ऐसा नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।